इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 की एंडिंग, उसके मिड क्रेडिट सीन और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। तो मूवी के क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव सरकटे की जो केव होती है जिसमें लावा बह रहा होता है वहां पहुंच गए हैं, और अब वो दोनों मिलकर सरकटे को हराना चाहते हैं और गाँव से जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उन सबको वापस लाना चाहते हैं। पर ये सब इतना आसान नहीं होता है क्योंकि सरकटा जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। स्त्री की शक्तियां जो श्रद्धा कपूर के पास होती है वो भी उसे नहीं हरा पाती विक्की के साथ मिलकर, लेकिन एक चीज जिससे उसे खत्म किया जा सकता है और वो होती है तलवार, जो कि उसी केव में रखी होती है। फिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर अपनी माँ को बुला लेता है जो कि स्त्री होती है, और उसके बाद विक्की जो कि एक लौता ऐसा आदमी है जो उस तलवार को निकाल सकता है वो उस तलवार को निकालता है, स्त्री को देता है। स्त्री सरकटे को मार देती है और उसका सर दो हिस्सों में लावा में चले जाता है। उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली में घोस्ट है और स्त्री उनकी सही में माँ थी, और उनका और राजकुमार राव के कैरेक्टर विक्की का आपस में कोई कनेक्शन है। वो क्या है वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें यह दिखाया गया है कि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है विक्की, उनके हाथ में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर एक पंखुड़ी दे देता है जिससे वो थोड़े पावरफुल हो जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि वरुण धवन का जो कैरेक्टर है भेड़िया, जिन्होंने स्त्री श्रद्धा कपूर और विक्की के कैरेक्टर के साथ मिलकर सरकटे के साथ लड़ाई करी थी केव के अंदर, वो उसी केव के पास वाले जंगल में पड़े हुए हैं, और फिर जनार्दन जो कि उनका भाई होता है वो उसे ढूंढ लेता है। फिर भेड़िया उसे बताता है कि भाई दिल्ली में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं और वहां पर कुछ लोग इंसानों का खून चूस रहे हैं। इसी सीन के साथ इन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर को भी सेटअप कर दिया है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है एक लोटा जिसमें बेसिकली अस्थियां होती है सरकटे की, वो आ जाता है अक्षय कुमार के पास जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में रह रहे होते हैं, और जैसे ही वो उस लोटे को उठाते हैं एक लावा की फॉर्म में चीज जो है उनके अंदर चली जाती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, सरकटे की तरह भी दिखने लगते हैं, और अब वो सरकटे से बेसिकली ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं, वो बन चुके हैं इस यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कर देना नीचे कि आपको मूवी कैसी लगी। यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।